भक्ति ही करनी चाहिए। एक राजा जंगल गया, शिकार करने के लिए जंगल गया, शिकार नहीं मिला। राजा बड़े चिंतित थे। एक वृक्ष के नीचे राजा बैठ गए, शिकार नहीं मिला। रात्रि हो गई, अधिक रात्रि जब हो गई ना, उस वृक्ष के ऊपर में एक चिड़िया मनुष्य के भाषा में बोलने लगी। चिड़िया बोलती है, यहां नहीं वहां है, यहां नहीं वहां है। दूसरी चिड़िया बोली, वहां नहीं यही है, वहां नहीं यही है। तीसरी चिड़िया बोली, नो यहां है नो वहां है, नो यहां है नो वहां है। चौथी चिड़िया बोली, वहां भी है यहां भी है। राजा सुबह में जब अपना घर आए, पूरे इलाके में ढिढोरा पीट दिया, जो चार सवाल का जवाब देंगे उसको 20 लाख रुपया इनाम में देंगे। इलाके के लोग मर पड़े, बढ़िया बढ़िया पोथी पुराण लेकर आए। बहुत आदमी पोथी पढ़ते हैं, लेकिन पोथी के अनुसार नहीं चलते। मिट्टी हाथ पड़ गए, राज किया भुजंगी ने, पोथी पढ़ 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 पंडित मर गए, लाभ लिया सत्संगी ने। कुछ लाभ मिला है तो सत्संगी को मिला। विचार पूरे इलाके के विद्वान पढ़े लिखे लोग आए। राजा जी ने माइक में कहा, यहां नहीं है वहां है, इसका मतलब क्या? वहां नहीं है यही है, इसका मतलब क्या? न यहां है न वहां है, वहां भी है यहां भी है। चार सवाल का जवाब दो। बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान पोथी खोजते खोजते परेशान हो, सबों ने कहा इसका उत्तर मेरे पास में नहीं है। एक चोर आदमी थे, चोर कन्हे चोरी हुए ना, वही चोर बाग मारे लोग, यही चोरे न हो, ऐसा भी होता है। कुछ गांव में है, जब टकरे पर पहाड़ी काटी जदना ने, वो ओकरे हाथे हो तो फल हो बचिया, वही पर पहाड़ी काट ले। चलिए, चोर आदमी बहुत बिहार था, चोर की बुद्धि बहुत तेज, चोर ने राजा साहब से कहा, राजा साहब ये चार सवाल का जवाब तो हम देंगे। हाँ, कहा दे दे, कहा वैसे देंगे। चोर की पत्नी सत्संग करती थी, चोर ने 20,000 रुपया पत्नी के आगे में रख दिया। पत्नी बोली, जहिया से बिहा हो तोरा से तहिया से तोरा समझावे चोरी नहीं करो, केकरो टका उठा घानी हमरा या धद लो।
पति कल के आब चोरी नहीं कर लत आबरी राजा के यहां खिम करता ते 20,000 ले ले पत्नी कल के केना ले लो राजा का खिम करता ते 20,000 कल के तो राजा जंगल गेलो रहीले गाछी लग जा चिड़िया बोले यहाँ नहीं वहाँ है दूसरो बोले वहाँ नहीं यही है तीसरो बोले नो यहाँ है नो वहाँ है चौथा बोले वहाँ भी है यहाँ भी है चार सवाल के जवाब कोई नहीं दिल की हमें मिली 20,000 दे हमें यार हम तक जवाब दे हम ये 20,000 का तो राखी ला चल ली हम पंजाब खाली फाउंडर्स गप होते 10 साल ये भी नहीं कर बोला तालुक राजा जाते भूलाए चोर की पत्नी बोली ये इनो काम तो तोरा नहीं करना चाहिए जब के लेने जो तो पंजाब कथि थे वही चार सवाल के उत्तर हम ही दे दे पति के लिए वहां बढ़िया बढ़िया पढ़ लो लिख लो सब लोग लो रे तो कोई बोल है नहीं पढ़ ले तो के ना उत्तर दे दो कल के वो पढ़ ले से गढ़ ले नहीं से हम गढ़ ले चार सवाल के उत्तर हमने दे दे चलो तो चोर ने कल के देखो तब राजा लग हम ने बहुत बड़ा भेजी बहुत बड़ा मारे जब लाग फोन बुझो हम अपन भागी जो पत्नी के लिए चलो हम मारते तो भागी विचार दुनिया में माँ बहन को कमजोर नहीं समझना चाहिए राम भक्त बेटी भली राम विमुख नहीं पूत सबरी मर कर परम धाम गई धुंधकारी भय भूत चोर की पत्नी बोली चलो चलो चोर की पत्नी चोर दोनों वहां से चल चल रास्ते में चोर की पत्नी ने देखा एक झोपड़ी उस झोपड़ी में एक महात्मा जी बैठे थे महात्मा जी के शरीर में वस्त्र नहीं था एक नंगोटी पहने हुए थे जहां फटते थे वहां सुई धागा से सी करके उस नंगोटी से काम चलाते थे लेकिन झोपड़ी में रहकर धूप बरसात ठंडी सहन करके दिन रात भगवान का भजन करते थे चोर की पत्नी बोली बाबा आपको मैं 5,000 रुपया दे दूंगी एक घंटा के लिए मेरे साथ में चलिए ना महात्मा जी ने कहा फ्री में जाएंगे ले चलो जहां ले ले महात्मा जी को साथ में ले लिया आगे बढ़े चोर और चोर की पत्नी कहां गए एक वेश्या के यहां गए चोर की पत्नी बोली वेश्या से माता जी 10,000 रुपया दे दो दो घंटा के लिए मेरे साथ में चलिए तैयार हो गई वेश्या ने स्नान किया 50,000 की साड़ियां पहन जेवर जाल पूरा भरपूर पहनकर सज धज कर चोर की पत्नी के साथ में चल चल आए राजा के पास चोर ने राजा साहब से कहा राजा साहब
धाओ ये परस में कोनो दाम नहीं रहो हम त दाम वाला बात बोले छे ई साधारण बात हमरो पत्नी बोली दुनिया एकरे पूछो की बात छे हम हटे छ पूछी ली चोर की पत्नी आगे बढ़ी चोर बगल कहीं लाठी देते हम पहले फिर हरा चोर की पत्नी बोली राजा साहब कही क्या सवाल राजा ने कहा यहां नहीं वहां है इसका मतलब चोर की पत्नी बोली बाबा को देखिए महात्मा जी को गौर से महात्मा जी यहां के लिए कुछ जमा नहीं किए झोपड़ी में रहकर भीख मांग कर धूप गर्मी बरसात ठंड को बर्दाश्त करते हुए झोपड़ी में रहकर जीवन भर भजन किया भले महात्मा जी को यहां 10-20 बीघा नहीं है भले महात्मा जी को परिवार नहीं है भले महात्मा जी के शरीर में बढ़िया वस्त्र नहीं है एक नंगोटी पहने हैं लेकिन महात्मा जी ने इतना भजन किया है इतना भजन किया है कि यहाँ इनको जो दुख मिल जाए हो जाए लेकिन यहाँ से जब जाएंगे इस महात्मा की आत्मा परमात्मा में ही विलीन हो जाएंगे जो सदा के लिए आवागमन के दुख से छूट जाएंगे महात्मा जी ने यहाँ नहीं वहां के लिए ध्यान अर्जन किया है कबीर सो